भाजपा विधायक अवधेश सिंह का भतीजा गौरव सिंह पिंचू तंदूर मिला रेस्टोरेंट में खुलेआम देह व्यापार चलवा रहा। रेस्टोरेंट में परिवार भी जाता है, लेकिन इसके रेस्टोरेंट में कोई परिवार नहीं जाता है। पूरे वाराणसी के एक एक थाने का एक एक दरोगा सिपाही जानता है खुलेआम देह व्यापार का काम चल रहा है। एसीपी शिवा सिंह, जो खुद अंडर ट्रेनिंग महिला आईपीएस हैं, उनसे जब हमारे संवाददाता मिले तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ लिया कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में भाजपा विधायक के भतीजे गौरव का एक और काला कारोबार, सिंगरा स्थित रेस्टोरेंट तंदूर मिला में करा रहा देह व्यापार। काशी, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी। काशी का नाम आते ही दिल दिमाग में बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा व तथागत गौतम बुद्ध, सारनाथ की मन में आस्था उमड़ पड़ती है। देश विदेश से लोग यहाँ कोने कोने पर यही देखने आते हैं। सुबह ये बनारस असम में अवध मशहूर है, यहाँ सुबह बनारस माँ गंगा को देखने आते हैं। माँ मंगला आरती होती है, शाम को माँ गंगा की आरती होती है। लेकिन बहुत दुख और खेद का विषय है कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी में भाजपा विधायक अवधेश सिंह का भतीजा गौरव सिंह पिंचू तंदूर मिला रेस्टोरेंट में खुलेआम देह व्यापार चलवा रहा। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी नहीं है, पूरे वाराणसी के एक एक थाने का एक एक दरोगा सिपाही जानता है खुलेआम देह व्यापार का काम चल रहा है। लेकिन मानो तो स्थानीय पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अरे भैया, पैसे कमाने के बहुत संसाधन हैं, लेकिन किसको क्या कहा जाए, आदमी की बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि सर्वविदित है, कानून की रखवाली करने वाले अगर कानून तोड़ने पर आमादा हो जाए तो समाज में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है या जाता है। जैसा कि सबको पता है कि सीसीटीवी फुटेज लगता है दिखाने के लिए कि सच्चाई क्या है। रेस्टोरेंट में परिवार भी जाता है, लेकिन इसके रेस्टोरेंट में कोई परिवार नहीं जाता है। सब केवल लड़के लड़कियां आते हैं, और यही नहीं, महीने में कम से कम 3 या 4 बार 112 की पुलिस भी आती है अगल बगल शिकायत करता के कहने पर। लेकिन स्थानीय जब 112 आती है तो स्थानीय चौकी को बताया जाता है, लेकिन मामला सब ढाक के 3 पार। एसीपी शिवा सिंह, जो खुद अंडर ट्रेनिंग महिला आईपीएस हैं, उनसे जब हमारे संवाददाता मिले तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ लिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात राम सेवक गौतम डीसीपी उनके तक भी पहुंचे तो उस मामले का अंडरलाइन कर जांच कराने की बात कहकर मामला टाल दे रहे हैं। जब खबर छपी समाचार पत्र में कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में भाजपा विधायक के भतीजे गौरव का एक और काला कारोबार, सिंगरा स्थित रेस्टोरेंट तंदूर मिला में करा रहा देह व्यापार, तो 3 दिन यह गलीच धंधा बंद रहा। उसके बाद पुनः जिस दिन योगी जी का कार्यक्रम लगा उसके बाद से पुनः जारी है। कथित रूप से यह पता चला है कि जो थाने पर 50,000 महीना जा रहा था वो बढ़ के 1,00,000 महीना हो गया है। तो भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया के तर्ज पर कानून व्यवस्था चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस सबकी सेवा में तत्पर, या उत्तर प्रदेश पुलिस देह व्यापार कराने की ओर अग्रसर। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, इस पर भी हमारे तेज़तर्रार रिपोर्टर मनीष जायसवाल जी का आप आगे रिपोर्ट जो उन्होंने किया आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं बनारस के त्रिमित्र भवन के सामने पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि बनारस धर्म की नगरी है, इसके बाजू में यहाँ पे लगातार धर्म की नगरी है और लगातार यहाँ पे मंत्री लोग दौरे करते हैं। दौरा करने के बाद भी बनारस में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर जिस पड़ोसी का धंधा होता है, जिस पड़ोसी का धंधा होता है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का हाथ होता है, शायद यही कारण है कि पड़ोसी का धंधा करने वाले या गलत काम करने वाले तो हौसला बुलंद है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तंदूर मिला रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में जिस पड़ोसी का धंधा चलाया जाता है वो टेटी के साथ चलाया जाता है और कहीं सत्ता पक्ष के
विधायक है, उन्हीं के भतीजे द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। त्रिनेत्र भवन है सामने, आप देख सकते हैं त्रिनेत्र भवन से पूरे बनारस की मॉनिटरिंग की जाती है। और बगल में, जस्ट बगल में तंदूर बीला रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं कि तंदूर बीला रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जिस पर फारोसी का धंधा किया जाता है, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में फैमिली मेम्बर नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ वयस्क आते हैं, बालिग आते हैं, यहाँ पे बच्चे आते हैं और कहीं ना कहीं वे गलत लग पा गए हैं जिस भरोसे के धंधे में। इसी के जस्ट पीछे मैं आपको बता दूं कि त्रिनेत्र भवन और तंदूरी विला के जस्ट पीछे रुद्राच सेंटर है और वहाँ पे लगातार वैसी नेता आते रहते हैं। इसके बावजूद भी जस्ट इसी के आगे आप देख सकते हैं त्रिनेत्र भवन, पूरी शहर की मॉनिटरिंग यहीं से की जाती है, लेकिन तंदूरी विला में किसी भी तरह का मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है क्योंकि ये सत्ता पक्ष के अधीन चलाया जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे फैमिली मेम्बर नहीं आते हैं, लगातार यहाँ पे महीने में 5 बार फैंटम वाले आते हैं। यहाँ पे लोगों ने कई बार शिकायत किया, इसको देखते हुए यहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ रहा और एक खबर मेरे पेपर में प्रमुखता से छापा गया था संघर्ष अखबार में। और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा मौजूदगी रहती है सिर्फ लड़कों की। ये फैमिली रेस्टोरेंट है, फैमिली कभी भी नहीं आती है। और यहाँ पे जिस भरोसी का धंधा चलता है, इस तरह का आरोप भी लग रहा है और कहीं ना कहीं सत्य है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों से बात किया गया तो कह रहे हैं कि मैं इसका संज्ञान लेता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है।